बड़वानी जिले के खेतिया में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के साथ ही महाराष्ट्र जाने वाले लोगों पर नजर रखने की बात कही है। खेतिया क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों, कर्मचारियों व समाज सेवियों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण पर शासन प्रशासन ने कड़ी मेहनत से ब्रेक लगाया है। जरा सी असावधानी हमें भारी पड़ सकती है, इसलिए अभी भी हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। वहीं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि जिले में कोरोना की रफ्तार थमी और कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए अभी और हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज माननीय मंत्री जी के साथ में खेतिया में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक यहां पर की गई थी, और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 10-12 दिन से हमारे बड़वानी ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केस संख्या लगातार घट रही है। इसको हम लोग 31 मई तक 0 तक लाएं, कोरोना कर्फ्यू का लगातार पालन लोग करते रहें, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से घर से लोग ना निकलें। यदि अति आवश्यक कार्य होता है घर से निकलना हो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क के साथ निकलें। इस पर कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से डिटेल में चर्चा की गई। अभी भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि अभी भी थोड़ा सा लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ लोग एक एक बाइक पर 3-3 लोग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश मैंने दिए हुए हैं। इसी तरह से कोई अन्य लापरवाही करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र से लगा होने के कारण से हमारा खेतिया बहुत सेंसिटिव प्लेस है, और इसमें सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वो वाली स्थिति है। हम लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम लोग लापरवाही करेंगे तो अभी हम लोग बहुत कम केस, हमारे एक सप्ताह में केवल 4 केस आए हैं, लापरवाही बरतेंगे तो हम उस तरह 40 पर पहुँच जाएँ और आगे भी बढ़ जाएँ। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, खेतिया के लोगों से, खेतिया के आसपास के लोगों से, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग महाराष्ट्र में कुछ सामान खरीदने के लिए वहाँ पर जाते रहते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पूरी टीम को निर्देश जारी किए हुए हैं कि ऐसे जो लोग हमारे खेतिया से बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन पर जबरदस्त फाइन लगाया जाए, उन पर जो भी कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग कोरोना से बचने के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे हम वो उठाएंगे। और इसके साथ साथ में चूँकि हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है, लोग वैक्सीन लगाने के लिए अभी भी कुछ भ्रांतियाँ लोगों ने पाल रखी हैं, 45 से ऊपर के लोग बहुत कम वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं, तो आज की स्थिति में ये साइंटिस्ट और सभी द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एक अच्छा उपाय है। और इसका खुद उदाहरण हमारा पूरा फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ लाइन वर्कर है, जो लगातार इस भयंकर महामारी में 24 घंटे काम करता रहा परंतु कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये पूरा इसका प्रमाण है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भविष्य में कोरोना कभी किसी को भी हो सकता है, उससे बचाव के लिए हमारा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको प्राथमिकता से लगाना चाहिए, क्योंकि उनको अन्य बीमारियां भी होती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में पशुपालन मंत्री सहित प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहाँ सभी ने एक सुर में कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने की बात पर जोर दिया। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।